शिवलिंग शब्द बहुत गहरा है इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा दर्शित है शून्य आकाश अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है शिवलिंग के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में हम आपको शिव जी का एक गुप्त रहस्य भी बताएंगे जो कभी आपने कभी सुना नहीं होगा शिव ही सत्य है वो ही ज्ञान है और वो ही प्रेम भी है महादेव के नाम से पूजनीय शिव शंभू ही शक्ति का प्रतीक हैं, जिन्हें भोलेनाथ शंकर नीलकंठ भोले भंडारी जैसे नामों से पुकारा जाता है शिव पार्वती के एक रूप होने का प्रतीक तो वहीं माँ पार्वती शक्ति प्रेम और समर्पण की पर्याय हैं जिनकी आशीष में ही सृष्टि फलफूल रही है तो वही शिवलिंग शिव पार्वती के एक रूप होने का प्रतीक है जो संसार में पुरुष और स्त्री के अस्तित्व के एक समान होने को व्याख्यित करता है जो स्पष्ट करता है कि अकेला पुरुष और अकेली स्त्री सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते हैं सृष्टि को आकार देने के लिए दोनों की भागीदारी बेहद जरूरी है एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं शिवलिंग को तीन रूपों में बांटा गया है शैव संप्रदाय कहता है कि शिवलिंग पर शिव पराशक्ति और परमेश्वर तीन रूपों में बनता है ऊपर वाले भाग को परशिव और बीच वाले हिस्से को पराशक्ति कहते हैं इन्हीं से मिलकर परमेश्वर का रूप सृजित होता है जिसका संबंध आत्मा से है शिव का प्रतीक वैसे शाब्दिक रूप से बात करें तो संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक होता है और इसलिए शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक इसलिए शिवलिंग को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता है शिवलिंग है अनंत इसका एक और अर्थ अनंत होना भी है ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें सत्य रूप से मौजूद हैं एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बना है जो कि एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा इसलिए इसे पदार्थ कहा जाता है लेकिन शरीर के अंदर की आत्मा अमर होती है वो शक्तिशाली है इसलिए उसे ऊर्जा कहा गया है इसलिए शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार ग्रहण करते हैं अग्निस्तंभ के रूप में परिभाषित शिवलिंग तो वही शिवपुराण में भी शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में लिखा है वहां इसे अग्निस्तंभ के रूप में परिभाषित किया गया है आकाश को शिवलिंग कहा गया है तो वहीं स्कंद पुराण में आकाश को शिवलिंग के रूप में वर्णित किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सभी को एक दिन इसी शिवलिंग में विलीन होना है अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर धन्यवाद